हेलो फ्रेंड्स, आई एम धर्मेंद्र एंड आप देख रहे हैं चैनल योर एग्जाम गोली। आप सभी का आपके अपने चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। तो जैसे कि फ्रेंड्स आप लोग जान गए होंगे कि हम किसकी बात करने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, हम बता दें आपको, बात करने वाले हैं आरबीआई असिस्टेंट 2020 की कट ऑफ के बारे में। दोस्तों आपके लगातार कमेंट्स आ रहे हैं कमेंट्स बॉक्स में कि सर मैंने आरबीआई असिस्टेंट प्रीलिम्स का एग्जाम दिया है जो कि लास्ट डे में कंडक्ट हुआ था, तो सर प्लीज आप इसका कट ऑफ बताइए, आखिरकार क्या जा सकता है। तो फ्रेंड्स हम हर एक चीज को जानने वाले हैं, बट आप इस चैनल पे नए हैं तो इसको अभी सब्सक्राइब अवश्य कर लें, और आपको वीडियो आए पसंद तो प्लीज लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए फ्रेंड्स, ज्यादा टाइम ना लेते हुए हम बढ़ते हैं वीडियो में आगे और करते हैं हर एक चीज को डिस्कस कि आखिरकार आप लोगों का कट ऑफ क्या रह सकता है। चलिए फ्रेंड्स बढ़ते हैं आगे। हाँ तो डियर फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं हम आ गए हैं अगली स्लाइड में और बात कर लेते हैं उन पांच फैक्टर के बारे में जो कि 100% इफेक्ट डालने वाले हैं आपके एग्जाम में। जी हाँ दोस्तों, एग्जाम आपका कोई भी हो, यदि आप देखेंगे तो इन पांचों चीजों का प्रभाव 100% पड़ता है। आप देख सकते हैं डियर फ्रेंड्स, क्या फर्स्ट तो है कि आखिरकार आपके फॉर्म कितने डले हैं, इससे भी बहुत ज्यादा डिसाइड हो जाता है, फिक्स हो जाता है कि आपका कट ऑफ आखिरकार जाएगा तो कितना। एंड सेकेंड पॉइंट आता है कि आखिरकार आपका जो पेपर हुआ है किसी भी शिफ्ट में हुआ हो तो आपके पेपर का लेवल कैसा रहा, हार्ड था, इजी था या फिर आपका क्या मॉडरेट था। जी हाँ दोस्तों, यहाँ से भी बहुत ज्यादा डिसाइड हो जाता है कि आपका कट ऑफ क्या जाएगा। थर्ड पॉइंट आता है लास्ट ईयर का कट ऑफ। जी हाँ फ्रेंड्स, लास्ट ईयर के कट ऑफ से भी बहुत बड़ा अनुमान लगा लेते हैं कि आखिरकार आपका जो कट ऑफ जाने वाला है वो जाएगा तो कितना जाएगा। एंड इसके बाद आता है नंबर फोर, क्या पदों की संख्या, मोस्ट वेरी इंपॉर्टेंट, इससे पूरा पूरा डिपेंड होता है कि आपका कट ऑफ क्या जा सकता है। जी हाँ दोस्तों, कम ज्यादा से बिल्कुल पूरा पूरा अनुमान लगा लिया जाता है कि आपका कट ऑफ जाएगा तो आखिर कितना। एंड लास्ट पॉइंट जो कि है, क्या गलत प्रश्नों की संख्या, इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि आपकी एक्यूरेसी क्या थी एग्जाम में, आपने कितनी एक्यूरेसी रखी है, 80, 90 या 100%। तो दोस्तों इससे भी डिसाइड होता है। एंड इसके साथ साथ जो पेपर बनाया गया था उस पेपर में कुछ क्वेश्चंस रॉन्ग भी पाए जाते हैं तो वो आपकी शिफ्ट से क्वेश्चन अलग कर दिए जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, तो यहाँ पर भी बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ जाता है आपकी कट ऑफ पर। आपने देखे पांच फैक्टर, फॉर्म कितने डाले हैं, फर्स्ट सेकेंड पेपर का लेवल, थर्ड लास्ट ईयर का कट ऑफ, पदों की संख्या, गलत प्रश्नों की संख्या। जी दोस्तों, इन सभी चीजों का आपके कट ऑफ पर 100% प्रभाव पड़ने वाला है। तो फ्रेंड्स अब हम देख लेते हैं कि आखिरकार आपका कट ऑफ कितना जा सकता है, आपको इसके लिए क्या करना होगा। हाँ तो डियर फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं हम आ गए हैं अगली स्लाइड में जहां पे आपको दिख रहा है क्या आपके एग्जाम का कट ऑफ एंड गुड अटेम्प्ट, कि आखिरकार आपका कितना गुड अटेम्प्ट होना चाहिए कि आप इस एग्जाम की प्रीलिम्स को क्रैक कर सकते हैं। तो दोस्तों आपको बता दें, अभी तक आपके कमेंट्स का एनालिसिस करने के बाद यह निर्णय लिया है। देन इसके बाद हम आपको एक पोल भी क्रिएट करने वाले हैं जिसमें आपको कमेंट्स करना होगा आपका मार्क्स। जी हाँ दोस्तों, आपको 100% एक्यूरेट डाटा चाहिए तो आप लोगों को वहां पर पोल में वोट डालना होगा। फ्रेंड्स आपको बता दें, यदि आपने रीजनिंग में अटेम्प्ट किया है कितना, जी हाँ दोस्तों, यदि आप रीजनिंग में जा रहे हैं करीबन 28 से लेकर 30 के समथिंग आपने अटेम्प्ट किया है गुड, तो दोस्तों आपके यहाँ पर गुड अटेम्प्ट माना जाएगा, 100% एक्यूरेसी आपने रखी है तब। जी दोस्तों, एक्यूरेसी बहुत ज्यादा मैटर करती है, आपकी एक्यूरेसी 100% होनी चाहिए आपके 28 से 30 के समथिंग। अब बात करते हैं क्या आपके क्वांट की, तो दोस्तों आपके क्वांट में यदि आप ला रहे हैं करीबन 30+, यदि आपका इतना मार्क्स बन रहा है तो दोस्तों आपका सिलेक्शन भी यहाँ पर 100% श्योर होने वाला है। ओके, 30+ होना चाहिए विद 100% एक्यूरेसी के साथ क्वांट में, है ना। अब हम देखते हैं क्या आता है आपका इंग्लिश, तो दोस्तों इंग्लिश में भी आपका करीबन यहाँ पर 24 से लेकर 26 के समथिंग गुड अटेम्प्ट माना जाएगा, यदि आपने इतना किया है तो आपका सिलेक्शन भी यहाँ पर बिल्कुल श्योर होने वाला है 100%। बट इतना आपका 100% एक्यूरेसी के साथ होना चाहिए। हालांकि इंग्लिश में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन चल रहा है कैंडिडेट को, क्योंकि यहाँ पर कोई 100% एक्यूरेसी नहीं बोल सकता। बहुत सौ का कहना है कि यहाँ पर हम निश्चय नहीं कर सकते 100% है कि 90 के 80,
बट यहाँ पर आप लोग बिल्कुल फिक्स बोल सकते हैं, हाँ 100% एक्यूरेसी है और आपके क्वांट में भी 100% एक्यूरेसी है। तो फ्रेंड्स अभी फिलहाल में आपके जो कमेंट्स का एनालिसिस हुआ है उस आधार पर आपका कट ऑफ किया जा सकता है, वो तो मैं आपको बताने वाला हूँ। बट डियर फ्रेंड्स आप यहाँ पर मैंने जो पोल क्रिएट किया है जरा उसको देख लीजिए आपको क्या करना है। तो डियर फ्रेंड्स आप देख सकते हैं हम आ गए हैं यूआर एग्जाम गोली के कम्युनिटी टैब पर, जहां पे मैंने आपको पोल क्रिएट किया है। आप देख सकते हैं क्या लिखा है, आरबीआई असिस्टेंट 2020 प्रीलिम्स एग्जाम में आपके नंबर कितने हैं, नीचे वोट डालें। एक तो मैंने ओन स्टेट को चुना है जिनका कट ऑफ कम जाता है और जिनमें वैकेंसी की संख्या ज्यादा है। जी हाँ फ्रेंड्स, मैंने आपके लास्ट ईयर की कट ऑफ को एनालिस किया है कि आपका कट ऑफ कितना गया था और आपकी वैकेंसीज की संख्या को एनालिसिस किया है। देन इसके बाद निर्णय लिया है कि आपके यहाँ पर गुजरात और महाराष्ट्र का कट ऑफ दोस्तों कम जाने वाला है। रीजन पोस्ट की संख्या है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर कितने अटेम्प्ट की है आप लोगों ने, आपको सिर्फ गुजरात और महाराष्ट्र से बिलोंग करते हैं तभी वोट करना है यहाँ पे, है ना। आपने यदि किए हैं 50 के नीचे तो फ्रेंड्स आपको यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन को चूज करना है। यदि आपने किए हैं 50 से 75 के बीच तो आपको यहाँ पर सेकेंड ऑप्शन चूज करना है। यदि आपने किए हैं 75 से 85 के बीच तो आपको थर्ड ऑप्शन चूज करना है। यदि आपने किए हैं क्या 85 से 90 के बीच तो आपको फोर्थ ऑप्शन चूज करना है। एंड लास्ट आपने 90 से 100 के ऊपर किए हैं तो आपको फिफ्थ ऑप्शन चूज करना है। बट रिक्वेस्ट है क्या कि यहाँ पर वही पर्सन वोट डाले जो गुजरात और आपके महाराष्ट्र से बिलोंग करता हो, ना कि कोई अदर स्टेट वाला, इतनी कृपा जरूर करना। अब हम देखते हैं सेकंड पोल को जो कि इसी के नीचे है। तो जैसे ही फ्रेंड्स आप थोड़े स्क्रॉल डाउन करते हुए नीचे आएंगे तो आपको यहाँ पर सेकंड पोल दिख जाएगा, क्या है, आरबीआई असिस्टेंट 2020 प्रीलिम्स एग्जाम में आपके नंबर कितने हैं, नीचे वोट डालें। आपके यहाँ पर किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हैं, सिर्फ गुजरात और महाराष्ट्र को छोड़कर आप यहाँ पर वोट कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ का कट ऑफ थोड़ा हाई जाने की संभावना है। इसका रीजन वैकेंसी की संख्या और लास्ट ईयर का कट ऑफ दोनों है ना फ्रेंड्स। आप यहाँ पे देख सकते हैं 50 के नीचे तो आपको फर्स्ट, यहाँ पे 50 से 75 के बीच तो सेकेंड, 75 से 85 के बीच तो आपको थर्ड ऑप्शन चूज करना है, और यदि आपका फोर्थ ऑप्शन है 85 से 90 के बीच तो फोर्थ, एंड 90 से अबव 100 के समथिंग तो आपको यहाँ पर चूज करना है फिफ्थ ऑप्शन। प्लीज रिक्वेस्ट है अधिक से अधिक वीडियो को शेयर करें ताकि हमारे पास अधिक से अधिक वोट डल सकें और हम बिल्कुल एक अनुमान के मुताबिक। और यहाँ पर दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है, कोई आपको जज करने वाला नहीं आपके मार्क्स ज्यादा हैं कि कम है, सिर्फ आपके समक्ष आंकड़े प्रस्तुत किए जाएंगे। तो प्लीज रिक्वेस्ट है जितने मार्क्स आपने गेन किए हैं उतने पर ही वोट डालें, झूठा दिखावा करने की कोई आवश्यकता नहीं, गुजारे से सभी से। चलिए फ्रेंड्स बढ़ते हैं आगे। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं आ गए हम अगली स्लाइड में और बात कर लेते हैं आपके हर एक कैटेगरी का कट ऑफ की, आखिरकार अभी प्रेजेंट में एनालिसिस के आधार पर आपका कट ऑफ क्या रहने वाला है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर हम ओवरऑल कट ऑफ की बात करने वाले हैं, ना कि किसी स्टेट विशेष की। जैसे कि आपकी गुजरात महाराष्ट्र यहाँ पर आपका कट ऑफ कम जाता है, एंड आपके जो अदर स्टेट है यहाँ पर कट ऑफ आपका हाई जाता है, बट हम यहाँ पर ओवरऑल कट ऑफ की बात करने वाले हैं सभी का। देन इसके बाद आपके जो सर्वे के नतीजे आएंगे फिर हम आपको एक वीडियो प्रोवाइड कराएंगे, उसमें बिल्कुल पूरी पूरी संभावना है कि आपका कट ऑफ बिल्कुल वही जाएगा, है ना फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स आप यहां पर देखिए क्या जा सकता है। तो दोस्तों अभी फिलहाल के मुताबिक यदि आप गेन कर रहे हैं यूआर कैटेगरी से कितने मार्क्स, दोस्तों यदि आपके मार्क्स बन रहे हैं करीबन 84 से लेकर आपके 90 के बीच। जी हाँ दोस्तों, अभी फिलहाल के कमेंट्स के आधार पर यदि आपके मार्क्स 84 से 90 के बीच आ रहे हैं यूआर कैटेगरी से आपके आरबीआई असिस्टेंट प्रीलिम्स 2020 में, तो आपका स्कोर बिल्कुल गुड स्कोर है, आपका सिलेक्शन यहाँ पर 100% होने वाला है। देन बात करते हैं सेकंड ओबीसी। तो दोस्तों आपको बता दें यदि आप ओबीसी से बिलोंग करते हैं और आपके आरबीआई असिस्टेंट प्रीलिम्स 2020 एग्जाम में आप मार्क्स गेन कर रहे हैं कितने, जी हाँ दोस्तों आप ला रहे हैं मार्क्स करीबन 80 से लेकर आपके कहाँ तक 84 के बीच। यदि आपका इतना स्कोर आ रहा है तो आपका सिलेक्शन भी यहाँ पर कोई रोकने वाला नहीं, आप 101% जाने वाले हैं नेक्स्ट फेज मेंस के लिए। अब बात आते ही क्या एससी कैटेगरी। तो फ्रेंड्स आपको बता दें यदि आप आरबीआई असिस्टेंट 2020 प्रीलिम्स एग्जाम में एससी कैटेगरी से मार्क्स गेन कर रहे हैं कितने, जी हाँ दोस्तों अभी आप ला रहे हैं करीबन 74 से लेकर कहाँ तक 80 के बीच।
यदि आपका इतना स्कोर अभी चल रहा है तो आपका सिलेक्शन भी 101% होने वाला है आपके मेंस के लिए। अब बात करते हैं लास्ट जो कि है एस टी कैटेगरी। तो दोस्तों आपको बता दें, यदि आप आरबीआई असिस्टेंट 2020 प्रीलिम्स एग्जाम में मार्क्स गेन कर रहे हैं एस टी कैटेगरी से कितने, जी हाँ दोस्तों, यदि आप ला रहे हैं 73 से लेकर आपके 77 के बीच, तो आपका सिलेक्शन भी यहाँ पर 100% श्योर हो जाता है। इससे ज्यादा आपका कट ऑफ एनी हाउ किसी भी कंडीशन में जाने वाला नहीं। और फिर आपके आंकड़े बताएंगे, आपके सर्वे में वोट्स बताएंगे, बट रिक्वेस्ट है झूठी वोट मत करना। जितने मार्क्स आपके आए हैं उसी ऑप्शन को आप चूज करें। ओके, तो फ्रेंड्स आपको यह वीडियो कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करते जाएं, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए लेते हैं आपसे विदा। ओके, टेक केयर, लव यू ऑल, जय हिंद, जय भारत।